हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। जैसे कि इंस्टाग्राम पे अपडेट दिया था कि मैंने 10 टू 12 डेज में 2 केजीज वेट लॉस किया है, तो यस गाइस, बस उसी का अपडेट देने आई हूँ आज। यहाँ ये वीडियो का बहुत जन इंतज़ार कर रहे हैं। 2 दिन हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे अपडेट दिया स्टोरी के थ्रू कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो काफ़ी लोग बहुत खुश हो गए एंड काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि मैं आप लोगों को अपडेट दूँ यूट्यूब पे, लाइक बताऊँ कैसे क्या मेरा ये 12 डेज़ का जर्नी था। तो 12 डेज़ का जर्नी ऐसे था जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट प्लान कर रही हूँ। ये एक ऐसा डाइट प्लान था जो मुझे सच में ऐसा लगता था कि मैं कभी कर ही नहीं सकती, बट गाइस सच में नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल होता है। बस आपको एक वो करना ही है वाला, जब तक आपके माइंड को हिट नहीं करता है ना कि करके ही रहेंगे, वो जब तक नहीं हिट करेगा आप कुछ भी कर लो, आपके साथ को मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो पॉसिबल है। बट अगर एक बार वो हिट हो गया तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। तो उसी तरह से ये डाइट प्लान के आज मुझे 14 डेज हो गए हैं, मतलब जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो मेरा 15 डे है रहेगा ये डाइट प्लान का, एंड 15 डेज हो चुके हैं एंड मैंने अच्छे से डाइट प्लान किए हैं। वेट चेक करके 2 दिन हो चुके हैं, तो तभी ऑलरेडी 2 kgs डाउन हो चुकी थी। आई होप अभी 1 kg और हो चुका हो, क्योंकि आज मुझे थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा। आज मैं बहुत ज़्यादा लो और वीक फील कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम पे इस बारे में बताया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप अगर कैमरा पे आ रहा है कि पता नहीं, मैंने बस काजल लगाया एंड लिपस्टिक लगाई और मैंने बोला मुझे ये वीडियो शूट करके आप तक जल्दी ही पहुँचाना है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे साथ जर्नी स्टार्ट की है, तो उन लोग के लिए प्रॉपर टाइम टू टाइम अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। तो यस गाइस, मेरी डाइट प्लान अब तक ये रिजल्ट दी है। आप लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग अगर मेरे साथ कर रहे हो तो आपकी जर्नी कैसे चल रही है, या फिर आप कोई और भी डाइट प्लान कर रहे हो तो कितना वेट लॉस हो चुका है, किस तरह से आपका प्रोसेस चालू है, क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है, ज़रूर मुझे बताना। मैं आप जो भी डिफ़िकल्टीज है अगर मेरे को समझ होगी उस बारे में तो आपको मैं हेल्प भी कर सकती हूँ, राइट। तो यस गाइज, ये इस तरह से मेरा फ़िलहाल का शेड्यूल चालू है। एंड काफ़ी लोगों को था व्हाट आई ईट इन अ डे वीडियोस चाहिए, एक्चुअली मैं वो वीडियो शूट इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि गाइस मैं सच्ची बताऊँ तो मैं ज़्यादा कुछ खा ही नहीं रही हूँ। मैंने आज जो जो भी दिन में खाया है वो हर एक चीज़ का वीडियो लिया है, क्लिप्स लिए हैं जो मैं आपके साथ में इसी वीडियो में शेयर कर दूंगी, तो आपको बस एक रफ आइडिया हो जाए, क्योंकि बहुत जन व्हाट आई ईट इन अ डे वाले वीडियोज़ का वेट करते हैं। तो ये अपडेट के साथ में मैं आपके साथ में वो भी शेयर करूँगी। तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं डेली बेसिस में सेम नहीं खाती हूँ, बट चीज़ें आस पास ही होती है। फॉर एग्जांपल, जो वेजिटेबल आज मैंने खाई मैं डेली वो नहीं खाती हूँ। मैंने आज ये खाई थी रोटी, आटे की रोटी खाई थी, मतलब नॉर्मल व्हीट रोटी, बट मैं यूजुअली मैक्सिमम ज्वारी की रोटी खाती हूँ, बट आज मुझे आटे की रोटी खाने का मन था, तो बस वो रोटी का चेंज हो जाता है, सब्जी अलग अलग हो जाती है। मैंने फ्रूट्स खाए पूरा दिन एंड मैं फ्रूट्स ही खाती हूँ मैक्सिमम, तो फ्रूट्स मेरे यहाँ पर हो जाते हैं। एंड डिनर में बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो जो भी ये है डिनर ऑप्शन मैं अक्सर मैं बताती हूँ, बट उसके पहले मैंने क्या क्या खाया मैं शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो मॉर्निंग की शुरुआत होती है हॉट वाटर ग्लास से। मैं 3-4 ग्लास गर्म पानी पी लेती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पीने में डिफ़िकल्टी आती है, बट देर इज़ नो अदर चॉइस। हॉट वाटर वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा रोल प्ले करता है, तो आई डोंट मिस इट। तो मॉर्निंग में 2-3 ग्लास गर्म पानी पीने के बाद में जो मेरी फर्स्ट मील होती है वो अराउंड होती है 12:30-1 बजे के करीब। तो आज मैंने खाई ये सब्जी, इसको बोलते हैं फ्रेंच बीन्स, जो लॉन्ग वाली है। ये सब्जी एक्चुअली मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम बनाई है और फर्स्ट टाइम खाई है। मेरी मम्मी के अभी भी ये सब्जी बनती नहीं थी, बट इसको फ्रेंच बीन बोलते हैं। एंड मैंने जहाँ तक स्टडी किया है ये वेट लॉस में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि ये वेरी लो कैलोरी वेजिटेबल है। तो मैं इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो ढूंढ के अपने डाइट में ऐड कर रही हूँ, न्यू चीज़ें, मतलब एक्सपीरियंस करके ही आपको समझेगा, राइट। तो इसी तरह से मैंने आज ये सब्जी खाई। तो ये सब्जी मैंने किस तरह से बनाई आपके लिए थोड़ा सा मैंने वीडियोस लिए हैं, तो आप वो सब्जी का प्रिपरेशन देख लो। तो मैंने सब्जी कैसे बनाई मेरे को आप लोगों के साथ में वो शेयर करना था। एकदम बेसिक सब्जी है, इसी तरह से आप कोई भी सब्जी बना सकते हो बट चीज़ें कम डाल के। तो आप सब्जी की रेसिपी देख लो, फिर आगे का मैं बताती हूँ। कुछ नहीं गाइस, सब्जी बहुत इजी है। मैंने रफली अनियन कट किया था, एक थोड़ा सा बिग साइज़ का रफली चॉप करके मैंने थोड़े से ऑयल में उसको फ्राई कर लिया हल्का सा।
उसके बाद मैंने वापस से रफली चॉप कर लिया था टमाटर, तो उसमें मैंने ऐड कर लिया टमाटर एंड ऊपर से मैंने डाला सॉल्ट, रेड चिली एंड कोरिएंडर पाउडर। उसको मिक्स करने के बाद में मैंने दो आलू छोटे साइज़ के थे जो मैंने कट कर लिए थे ताकि सब्जी में से आलू योगेश खा पाए, मतलब उनके लिए थोड़ा सा यू नो सोच के सब्जी में मैंने आलू ऐड किया था। तो उसके बाद मैंने मसाले में आलू डाल दिया था, थोड़ा सा पानी भी डाला था, उसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दिया था स्टीम में। एंड ये है वो फ्रेंच बीन्स जिसकी मैं बात कर रही थी, लंबी वाली जो होती है बिग साइज़ की, ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी एंड टेस्टी थी एंड हेल्दी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप भी इसे अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। तो इसे मैंने इस तरह से काट लिया था, देन बस मैंने वो आलू सिर्फ 5-7 मिनट पकाने के ऊपर से मैंने ये सब्जी डाल दी थी। सब्जी डालने के बाद मेरे को थोड़ा सा पानी डालना लगा, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला एंड उसको अच्छे से पकने दिया लाइक नॉर्मल वेजिटेबल। सो दैट्स इट। नाउ आज घर पे सैलड नहीं था, सैलड एज इन कुकुम्बर नहीं था, तो मैंने सैलड नहीं खाया, बट इसमें मेरा सैलड इंक्लूड रहता है। तो मेरा आज का लंच था वही सब्जी जो मैंने आपको फ्रेंच बीन की दिखाई रेसिपी, वो सब्जी थी एंड मेरा कल का थोड़ा सा बैंगन का भरता बचा था तो मैंने थोड़ा सा वो खाया, साथ में मैंने एक ली थी आटे की रोटी, बस इसमें सैलड मिसिंग है। मैंने साथ में ली थी लस्सी, गाइस लस्सी जो है आज मैंने स्वीट लस्सी पी थी क्योंकि जैसे कि मैंने बोला आज सुबह से मेरे को तबीयत ठीक नहीं लग रही थी एंड ऐसे में बॉडी को थोड़ा शुगर देना ज़रूरी लगा मुझे, आज थोड़ा नीड लग रहा था, तो मैंने आज बहुत दिनों बाद थोड़ा सा शुगर खाया, मतलब लस्सी के। इसमें कर्ड एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है एंड मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बेटर वे में खा लूँ, मतलब लस्सी में ही मीठा चला जाए, ऐसे कुछ भी स्वीट डिश खाने से बेटर होता। तो मैंने एकदम थोड़ी सी शक्कर डाल के पंजाबी वाली लस्सी बना ली थी, तो मैंने ये रोटी सब्जी एंड लस्सी का ग्लास लिया एंड जो लस्सी है इसकी जगह पर मैं मैक्सिमम टाइम बटर मिल्क पीती हूँ। बटर मिल्क बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, समर सीज़न भी चालू है और दही भी मेरा घर पे बना हुआ रहता है। ओके गाइस, तो ये था मेरा फर्स्ट मील। उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद मैंने खाया शाम को ये मस्क मेलन मैंने खाए 3-4 पीस, ज़्यादा नहीं खा पाई क्योंकि से बादाम खाए। ये था मेरा जिम जाने के पहले का मील। तो ये मील खाने के बाद में मैं गई वर्कआउट करने, मैंने आज लेग्स वर्कआउट किए हैं, तो साथ में वर्कआउट के बाद मैं आगे बात करूँगी, बट हाँ मैंने लेग्स वर्कआउट किया एंड राइट नाउ जब मैं आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ मैं चेयर पर बैठी हूँ एंड बिलीव मी मेरे को पैरों में बहुत दर्द हो रही है। तो अच्छा खासा वर्कआउट किया मैंने, लेग्स वर्कआउट करके आने के बाद एज ऑलवेज प्रोटीन शेक, मैं वे प्रोटीन पीती हूँ आइसोलेट वे। तो ये है मेरा प्रोटीन शेक जो मैंने पानी में पिया, 1 स्कूप प्रोटीन था। तो बस इसके बाद में 1.5 घंटे में मैंने खा लिया मेरा डिनर। आज का जो डिनर था बहुत 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 सिंपल था क्योंकि मैं सच में तबीयत नहीं मान रही थी कि मैं कुछ मेहनत करके बनाऊं एंड सैलड के लिए घर पे सामान नहीं था, तो मैं इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं शॉप करके आऊं एंड मैं कुछ बना के खाऊं एंड मुझे भूख भी नहीं थी ज़्यादा उस टाइम पे। तो मैंने खाया था आज 1 फुल एग एंड 1 एग व्हाइट, ऐसे करके मैंने हाफ फ्राई किया था, एक का येलो मैंने नहीं खाया था। एंड साथ में मैंने जो दोपहर को मैंने जो मतलब जिम जाने के पहले जो मैंने मस्क मेलन छोड़ दिया था उसके 2 पीस मस्क मेलन एंड मैंने एक एप्पल खाया था छोटा सा। तो इतना ही था गाइस मेरा डिनर एंड साथ में मैंने 2-3 ग्लास पानी पिया था डिनर करने के 10-15 मिनट के बाद। एंड जो लास्ट 10-12 डेज थे इसके बीच में मैंने एक बार लंच में मतलब फर्स्ट मील में बॉइल राइस एंड दाल भी खाया था। तो खा तो रही हूँ बीच बीच में थोड़ा बहुत, बट वेट लॉस हो रहा है क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ टाइमिंग वाइज, 8:30 के बाद में नहीं खाना है, मतलब कुछ भी हो जाए नहीं खाना है। राइट नाउ जैसे कि आपने सुबह से देखा मैंने मैक्सिमम चीज़ें नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाया, इनफैक्ट बहुत हल्का फुल्का था। फिलहाल मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मतलब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरी बॉडी वर्कआउट की वजह से एक्सट्रीम पेन हो रही है एंड भूख भी बहुत ज़्यादा तेज़ लगी है। डिनर करने के बाद में शूट कर रही हूँ मैं ये वीडियो, डिनर करके भी मुझे 3 घंटे हो चुके हैं, मैं रात को शूट कर रही हूँ।
तो मुझे बहुत भूख लगी है, बट मैं क्या करूँगी, मैं आधा एक लीटर पानी पी लूँगी जिससे मेरा पेट थोड़ा फुल लगे एंड मैं चुपचाप सो जाऊँगी। तो इस तरह से स्ट्रिक्टनेस है मेरे को डाइट में। एंड जहाँ तक वर्कआउट की बात है गाइस, वर्कआउट आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अभी आप बोलोगे कि तुम पूरा दिन कुछ खा नहीं रहे हो इससे आप बीमार ना पड़ जाओ, तो डोंट वरी, मैं साथ में प्रॉपर सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, मेरे मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, सब सप्लीमेंट्स एकदम टाइम टू टाइम चालू है गाइस। एंड गाइस एंड मोरोवर मेरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा स्टोर्ड कैलोरीज है, तो मेरी बॉडी अच्छे से उनको यूज़ करके मुझे एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। बट आज थोड़ा सा लो डे था, मैक्सिमम टाइम जो है अपना फ्रूट्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। मेरे घर पे फ्रूट्स का बहुत अच्छा स्टॉक मैंने ला के रखा है, ताकि मेरे को जब भी बीच में कभी भूख लग रही है लाइक फास्टिंग के अलावा वाले टाइम पे, तो मैं कोई भी फ्रूट खा पाऊँ। तो उस हिसाब से मैं करती हूँ डाइट प्लान। एंड आज के डिनर में तो कुछ खास था नहीं, बट मैं पनीर ले लेती हूँ या फिर एग्स थोड़े ज़्यादा ले लेती हूँ, वाइट्स मतलब ज़्यादा लेकर ऑमलेट या भुर्जी बना लेती हूँ, पनीर ले लेती हूँ, या फिर मैं सोयाबीन ले लेती हूँ, या फिर मैं सैलेड ले लेती हूँ, या फिर मैं सूप्स ले लेती हूँ। इस तरह से कुछ जो हेल्दी होते हैं डिनर में, मैं पूरी तरह से कार्ब्स जितना हो पाए उतना अवॉइड करती हूँ। बट फर्स्ट मील में ज्वारी की रोटी एक रहती है या तो एक वीट की रोटी रहती है, साथ में सब्जी रहती है, कई बार दाल भी ऐड हो जाती है, बट सैलेड पक्का होता है। एंड बहुत स्लो जा रहा है मेरा वेट लॉस, मैं कीटो करती ना तो अब तक 15 दिन में कम से कम 4 से 5 किलो वेट लॉस हो जाता, बट मेरे को इस बार स्लो जाना है, बट फिक्स वाला वेट लॉस चाहिए। तो मैंने सोचा मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों ना ट्राई करूं, तो 2 ही किलो गया है, बट मैं खुश हूँ। ऑब्वियसली समुंदर में से दो बाल्टी पानी हम ले लेंगे तो समुंदर में कोई फर्क दिखता नहीं है, तो आई डोंट नो कि कुछ रिजल्ट, मतलब रिजल्ट तो मैं दिखेगा वो चीज़ अभी मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही, बट समुंदर में से थोड़ा थोड़ा करके ही समुंदर सूखता है। तो उस तरह से सोच के मैं स्लोली स्लोली अपना जर्नी स्टार्ट कर चुकी हूँ एंड थोड़ा बहुत रिजल्ट आ रहा है। आप लोगों को मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करके अपना अपडेट देना। तो इस तरह से था मेरा व्हाट आई ईट एंड फिलहाल का वेट लॉस का ये पूरा प्रोसेस जो चल रहा है। एंड वर्कआउट में मैं मैक्सिमम क्रॉसफिट कर रही हूँ, बस हफ्ते में एक बार अपर बॉडी, हफ्ते में एक बार लोअर बॉडी एंड बाकी सब टाइम मैं क्रॉसफिट एंड फंक्शनल वर्कआउट कर रही हूँ, जिससे मेरे को अच्छा रिजल्ट आता है पहले से। तो मैं वो ज़्यादा करती हूँ, वो वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाले, आप चैनल पे ढूंढोगे होम वर्कआउट में मैं वो सब करती थी, तो आपको मिल जाएंगे। सो येस गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। यूज़फुल लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड मिलती हूँ आपको जल्दी ही अगले वीडियो के साथ। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैंने व्लॉग नहीं किया, बट 2-3 दिन में रिकवर होके अच्छे से एकदम आपके साथ में वीडियोज आने वाले हैं एंड बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं। दैट्स इट, आई लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग।